वाइट सलवार के साथ आपके पास कौन कौन सी कलर की शर्ट्स होनी चाहिए, अगर आप एक वर्किंग गर्ल हैं या कॉलेज गोइंग हैं तो उसका वीडियो लेकर आपके लिए मैं आ गई हूँ। तो स्वागत है आपका लेटेस्ट फैशन कलेक्शन चैनल पर। तो देखते हैं कौन से वो कलर हैं जो आपके पास ज़रूर होने चाहिए अगर आप एक वाइट सलवार कैरी करते हैं। तो पहले सबसे मैं बता दूँ, सबसे पहला कलर है रेड। रेड को आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आप वेज में, जैसे भी इसकी शर्ट है प्लेन पूरी रेड में ऐसे डिज़ाइनिंग में करवा लो, रेड थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रिंट या फ्लोरल प्रिंट या ऐसे किसी भी थोड़े प्रिंटेड में, या वाइट के पास थोड़ा रेड का जो डिज़ाइनिंग होनी चाहिए ऐसी रेड में आपके पास एक शर्ट जरूर होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। इसके पहले जो मेरा वीडियो आया था तो लाइट कलर कम्बिनेशंस का, उसको आपने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार दीजिए। तो सेकंड कलर की तरफ चलते हैं जो आपके पास वाइट सलवार के साथ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं डार्क ब्लू रॉयल कलर जो इसको बोलते हैं, ये कलर बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में भी, और गर्मी में ये एक्चुअली जो ये वाइट सलवार जो है वो अच्छी लगती है। तो ये वाइट जो सलवार का जो एक कंसेप्ट है, ये आपकी ड्रेस में ज़रूर वार्डरोब में इसको आप ज़रूर रखें, ये आपके पास ज़रूर से ज़रूर एक जो होना चाहिए। तो पिंक कलर गर्ल्स का फेवरेट होता है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, और ये वैसे भी आप की लुक को एक बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही फ्रेश जो है एक आपको भी फील करवाता है, और देखने में भी गर्मियों में ये बहुत फ्रेश कलर लगता है। तो आई रेकमेंड कि एक पिंक कलर की शर्ट भी आपके पास होने चाहिए। एक मैं बात आपको और बताना चाहती हूँ, इससे पहले आप फोर्थ कलर देख लीजिए। फोर्थ कलर है, आई थिंक इसको एक्वा कलर बोलते हैं, आपको अगर एग्जैक्ट इसका नाम पता हो तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन ऐसे लाइट कलर में अगर आप कूल कलर में गर्मियों में कपड़े पहनेंगे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे कूल कपड़े भी आपके पास होने चाहिए। तो नेक्स्ट है ब्लैक कलर, वो आ रहा है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने स्पेशली एक तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आप सलवार सूट पहनना पसंद करते हैं तो आपके पास एक वाइट सलवार ज़रूर होने चाहिए। वाइट प्लाजो और वाइट लेगिंग का वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि वाइट लेगिंग के साथ डिफरेंट डिफरेंट कितने कलर का आप कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये ब्लैक कलर है, या नेक्स्ट आने वाला है ये है सी ग्रीन कलर। तो एक मैं आपको बात जो बताना जा रही थी वो ये कि आपको ज़रूरी नहीं कि वाइट के सलवार के साथ आपको नई शर्ट्स ही बनवानी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो पुराना फुल सूट है, कोई भी सूट है, जैसे आपके पास पूरा सी ग्रीन कलर का फुल सूट है, तो उसकी आप शर्ट को भी कंबाइन करके एक नई ड्रेस जो है बना सकते हैं। इससे आपको थोड़ा खुद को भी अच्छा लगेगा और आपकी एक नई ड्रेस भी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट जो सेवन्थ कलर है वो है येलो कलर। येलो वैसे भी गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आप सिंपल कुर्ता और सलवार पहनेंगे वो भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपकी शर्ट जो है थोड़ा शॉर्ट लेंथ में होनी चाहिए, लॉन्ग लेंथ में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कलर आप देख रहे हैं, कलर देखते जाइए, तो साथ साथ में मुझे बता देना आप। ये ब्लू कलर है, एक आपका लाइट ग्रीन है, ग्रीन में आप डार्क ग्रीन नहीं पहनेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर पैरेट वाला वो नहीं, ऐसा थोड़ा लाइट कलर में आप पहनेंगे। तो जो आपने एक दुपट्टा कैरी करना है तो वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप शर्ट के कलर का अगर वाइट दुपट्टा नहीं लेना चाहते, आप मैरिड हैं, कई घरों में ऐसे नहीं रेकमेंड करते वाइट दुपट्टा, तो वो वाइट नहीं, ऐसे साथ में अपना टोन टू टोन विद शर्ट आप ले सकते हैं। और अगर आप वाइट गर्ल्स जैसे हैं वो तो वाइट दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं, जैसे मैरून के साथ मैरून और वाइट सलवार, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। और दूसरा है आप वाइट सलवार और दुपट्टा एक कर रखे, और ये जैसे ये है तो शर्ट ये दूसरे कलर की। और जो मैं सभी कलर कम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन एक कलर जो मेरा भी फेवरेट, आलमोस्ट मेरे पास भी ये सारे कलर के सूट हैं, लेकिन एक जो मैं आपको ख़ास अपने पर रेकमेंड करना चाहती हूँ सी ग्रीन, वो कलर आप अपनी वाइट शर्ट प्लाजो पैंट किसी भी चीज़ लेगिंग के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा, बिकॉज इट गोज सो वेल कि आप हैरान रह जाएंगे अगर आपके पास नहीं है। तो लास्ट में जो जो मैंने फ्लोरल प्रिंट दिखाया है, एक्चुअली ये आप ग्रे कलर भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरल प्रिंट का मैं आपको अलग से भी एक
वीडियो बना लेके आ रही हूँ उसका भी, आप फ्लोरल प्रिंट को कैसे कैसे किन किन अच्छे कलर में आपको फ्लोरल प्रिंट है जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो भी ज़रूर देखिए, और जो आपने अगर नहीं देखा कलर कंट्रास्ट कम्बिनेशन का वो भी वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा।